हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं मैथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक वैदिक मैथ। जो आज देखो यहाँ पर 10th के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वहाँ पे भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये शुरू से ही चालू हो जाता है 7th, 8th, 9th, 10th, ये सभी में आता है वैदिक मैथ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग सब ध्यान से देखें। तो अब हम चालू करने वाले हैं वैदिक मैथ का यह निखिलम विधि से भाग एक्सरसाइज फर्स्ट है 10th की, ये सब में ही फर्स्ट होती है। तो यहाँ पे हम निखिलम विधि से 3 क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1, 2, 4, 5 भाग 9, 7। तो क्या करना होता है हमें, देखें यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ पर ऐसे खाने बना लीजिए, चलो मैं इधर बना देता हूँ, यहाँ पे 3 ये बन गए, और एक लाइन खींच दीजिए। अब देखें आप लोग यहाँ पर जो भाग दे रहे हैं जिस संख्या से हम, वहाँ पे आधार किसके बराबर है, ये आधार के है। आधार कितना है यहाँ पर, 100। आधार कितना है, 100, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को ये संख्या लिख देनी है जिससे हम भाग देते हैं, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको यहाँ पर लिख देते हैं। और जो यहाँ पर आधार कितना है, आधार है 100, यानी 00 डबल ज़ीरो है। तो यहाँ पर दो संख्या, इसकी दो संख्या इधर लिख दो, यहाँ पर 45 को हम यहाँ पे लिख देंगे, और 12 को यहाँ पे लिख देते हैं, ओके। यहाँ पर आधार में क्या है, दो ज़ीरो है, इसलिए हमने दो संख्या इधर लिख दी और इधर लिख दी, जो बचेगा इधर लिख देंगे, और 97। अब यहाँ पर आप देखिए 97 है वो आधार से कितना पास है, कितना पास है भाई, अगर हम क्या संख्या जोड़ें, जो ये क्या हो जाए, ये तीन संख्या जोड़ेंगे, तीन जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लेकिन हम इसको क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर आप लोग लिख दो 03, क्या लिख दोगे, 03, ये लिख दिया। अब क्या करना है हमें, 03 पूरक संख्या कितनी होगी, 0। अब यहाँ पर आप लीजिए इसको, एक को यहाँ पर उतार दीजिए, ऐसे कैसे उतार दिया। अब इसका है जो, इसका मल्टीप्लाई करो इससे, इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, इस संख्या से, इस संख्या से करेंगे तो कितना आएगा बताइए, इसका 0, 1 से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3, 3, ठीक है। अब क्या करना है, इस संख्या को नोट कर लो, इस संख्या को उतार दो, ये जुड़ती हैं, तो 2 + 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 का 0 से 0 आ जाएगा यहाँ पे, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 6 आ गया यहाँ पे। अब क्या करना है हमें, इनको जोड़ देते हैं, इनको हम ऐड कर देंगे, 5 और 6 कितने होते हैं, 11, 11 का कितना, 1 इधर गया, और 4, 3 का कितना, 4, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 8। तो ये अपना आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर क्या है भाई, भागफल है, भागफल लिखेंगे हम 12, और शेषफल कितना है अपना, शेषफल है 81। तो आप लोगों को समझ में आ गए होगा, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे हमें इस संख्या से भाग देना है इसमें। अब 97 किसके पास है, आधार, बेस कितना होगा यहाँ पर, 100 किया। अब 100 यहाँ पर, 100 में दो जीरो होती हैं, तो ये वाली दो संख्या जितने, ये चार वाला है, चार डिजिट का है, तो हमें इधर लिख देने हैं 2। ये खाने बनाए और 4, 5 इधर लिख दिया, और 1, 2 इधर लिख दिया। अब क्या करना है हमें, जो 100 है वो 97 से कितना पास है, 03। तो 03 को हम यहाँ पर लिखेंगे, 03 लिखा है मैंने, 3 नहीं लिखा, 03, क्योंकि यहाँ पर भी दो जीरो हैं, तो हमें यहाँ पर भी 03 लिखना पड़ेगा। फिर क्या करा, इससे नीचे उतारा, इसका हमने गुणा किया, गुणा करने पर क्या आया, 1 से 0 करेंगे 0, और 1, 3, 3। फिर क्या करेंगे, इसको उतारेंगे, 2 + 0 2 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2, 0 और 2, 3, 6। अब क्या करेंगे, यहाँ तक काम हो गया अपना। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, 5 और 6, 11, 11 का 1, 4 और 3, 7, 7 और 1 हासिल क्या है, 8। तो भागफल कितना, ये तो भागफल होता है, ये अपना शेषफल होता है, भागफल और शेषफल, ये अपना आंसर आ चुका है। तो आप लोग इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं इसको मिटा देता हूँ,
एक चीज़ मैंने बताई नहीं है, वो आपकी बार बता दूंगा आप लोगों को। यहाँ पर देखो, मैं इस क्वेश्चन को हम तीसरा पहले कर देता हूँ, चलो दूसरा ही कर देता हूँ। दूसरा है भाई अपना, अब क्या करना है यहाँ पर, हमें तीन लाइन ऐसे ही बनानी है, और फिर क्या करना है यहाँ पर, एक लाइन नीचे खींच देनी है, और यहाँ पर आधार कितना है, आठ, आठ के लिए आधार कितना है, 10। ठीक है भाई, अब 10 यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, आठ को लिखेंगे। पूरक क्या है यहाँ पर, पूरक है जो कितना है इसमें, 2। अब यहाँ पर 0 2 क्यों नहीं लिखा, 0 2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर 0 क्या संख्या है, 10 है, 10 में 0 1 होती है इसलिए, और 0 है जब 1 है, तो हम यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, 311, 311 को, यानी इधर इधर वाली संख्या 1 लेंगे क्योंकि वहाँ पर 1 0 है, और बाकी को यहाँ पर लिख दो आप लोग। ठीक है, अब वही कंडीशन है, इसको हम नीचे उतारेंगे, नीचे उतारेंगे 3 हो जाएगा भाई। अब इसका गुणा करेंगे इससे, 3 दूने कितना आएगा, 3 दूने 6 आ गया। अब क्या करना है, चलो इसको पास लिख देता हूँ, 6। अब यहाँ पे इसको करेंगे नॉट, और यहाँ पर 1 और 6 कितने हो जाएंगे, 7। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 7 दूने 14, 7 दूने 14। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 14 और 1 15, 15, 17 प्लस 15। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पे देखना है, देखो 8 से ये संख्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर जो अभी हमने क्वेश्चन करा था, उसका लास्ट लास्ट में क्या आया था, उसका आया था 81। 81 किससे, 97 से कम था। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हमें एक ट्रिक और लगानी पड़ेगी। यहाँ पर देखो, अब ये 8 से ज़्यादा हो गई 15, तो हम क्या करेंगे, अगर 8 में हम भाग दें, साइड में दे लेना आप, यहाँ पर 8 का भाग दें हम 15 में, इसी वाली संख्या का जो यहाँ पर अगर बड़ी आ जाए तो उसमें हम भाग देते हैं, और भाग डिवाइड करेंगे तो कितनी, 8 1 जा 8, तो यहाँ पर घटेगा तो कितना आएगा, 7। तो ये वाले एक को तो यहाँ पर रख दो आप, एक को तो यहाँ पे रख दो, और जो 8 है इसमें से घटा दो, तो कितना आएगा अपना यहाँ पे, 37 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 38, और 15 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 7। अब देखो आप लोग, यहाँ पर 7 है जो 8 से कम है, कम है 7 कम है, तो इसलिए हम ये अपना आंसर हो गया। तो यहाँ पर भागफल कितना आया है, भागफल आया है अपना 38, और शेषफल क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया है अपना, रिमाइंडर आया है 7। आया नहीं आया समझ में, आ गया होगा सबको, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये टफ क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या देना है, 8 से डिवाइड करना है 311, 311 को, तो यहाँ पर 8, 8 किसके पास है, आधार बेस कितना है अपना, 10। अब 10 है तो इधर वाली संख्या कितनी आएगी, लास्ट लास्ट में तीसरे वाले पार्ट में एक संख्या आएगी, एक संख्या हमने लिख दी यहाँ पर, और बाकी को यहाँ पर उतार दिया। अब क्या करना है हमें, 8 में कितने जोड़े वो 10 हो जाए, पूरक कितनी रहेगी, 2। अब यहाँ पर 0 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर 10 है, 1 0 है, तो यहाँ पर हमारी एक संख्या रहेगी। अब हम क्या करेंगे, 3 को यहाँ पर उतारेंगे, ऐसे कैसे उतारा, और इससे मल्टीप्लाई किया, 3 दून 6 6 आ गया अपना। अब इसका नंबर है, इसको उतारेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। अब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 7 दून 14, अब 14 आ गया यहाँ पर। अब 14 और 1 कितना होता है, 15, लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई, 8 से ज़्यादा आ गए 15, तो 15 के लिए हमने क्या किया, 15 में 8 का भाग दिया, 8 1 8 1 8, और यहाँ पर 7 बचा, तो 1 आया है ना, उसको भागफल में जोड़ दो, यहाँ पर +1 किया और माइनस कर दिया 8, तो कितना आएगा, 38, और शेषफल 7। अब देखिए आप, 8 से 7 कम है, इसलिए ये अपना आंसर हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम ये आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अपना 101388। तो यहाँ पर किया हमने 88 लिख देते हैं यहाँ पर। अब देखें आप, आधार कितना है इसमें, 88 में 100, 100 है तो इधर संख्या कितनी आएंगी, 2, तो यहाँ पर 13 को यहाँ लिख देते हैं, और बाकी को यहाँ लिख देते हैं 1 और 0।
ठीक है। इसके बाद हमें अब ये 88 है जो कितना कितना करें इसमें 12 कर सकते हैं, 12 करेंगे तो यहाँ पर हमने लिया 1 और 1 से मल्टीप्लाई किया इसका 1 1 और यहाँ पर 2। अब इसको जोड़ेंगे 0 प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये कितना आ जाएगा 12। आया नहीं आया समझ में? आ गया होगा, 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ये नीचे वाली संख्या का इससे मल्टी पूरक वाली संख्या से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इसको जोड़ देंगे 3 और 2 5, 1 2 और ये कितना हो जाएगा 4। तो ये अपना आंसर, तो ये भागफल कितना हो गया, भागफल हो चुका है अपना 11। और शेषफल कितना हो गया अपना, शेषफल हो गया है 45। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, देख लियो आप तो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लें। तो आप लोग इनको ट्राई करें, मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। बच्चों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये एग्ज़ाम चल रहे हैं फिलहाल, उसके मैथ का है, सप्लीमेंट्री का, तो आप लोग इसके लिए देख सकते हो इसको। और जितने भी आप लोगों के फ्रेंड हैं, भाई बहन पढ़ते हैं, उनके लिए आप लोग शेयर करें और बता दें उनको, हमारे चैनल का नाम है नवेदोलॉजी। ओके, थैंक यू।